कक्षा दसवीं आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 17 शीर्षक अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, आप अपने आसपास कुछ न कुछ प्रतिदिन कुछ घटनाएं देखते रहते हैं और वो जो घटनाएं होती हैं उनमें से कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे मन के अंदर कुछ विचार उत्पन्न कर देते हैं और वो जो विचार उत्पन्न होते हैं उसे हम सुंदर और प्रभावशाली ढंग से लिखते हैं और लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। और दूसरों तक हम पहुंचाते हैं और जो हम अपने विचारों को लिखते हैं उसको 8-10 लाइन में सुंदर वाक्यों में लिखते हैं, वही कहलाता है अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन जब हम लिखें तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद लेखन हमें कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले या तो हमने हमें 5 बिंदु बताए हैं, उस 5 बिंदु के आधार पर ही आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है। पहला बिंदु क्या है? आसपास उस विषय से संबंधित जो भी दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, उसे सोचिए। आपके आसपास कुछ घटनाएं हो रही हैं। मान लो जैसे आप पार्क गए, पार्क में आप पार्क का आपने माहौल देखा, तो जो कुछ आपने पार्क में देखा उससे संबंधित आप मन के अंदर उसे पहले महसूस करें और उसके बारे में आप सोचिए कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर और क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, उनके बारे में पहले पूरा एक अच्छे से आप सोचिए। उसके पश्चात सोचने के बाद उन्हें क्रम से लिखिए। ऐसे ही कोई सा वाक्य कहीं भी लिखते हैं उनका एक क्रम होना चाहिए, जैसे जैसे घटनाएं हो रही है उसके अनुसार ही आपको अनुच्छेद लेखन को लिखना है। ऐसा नहीं कि घटनाएं बाद में हुई है उसको आपने पहले लिख दिया, तो जो आप अनुच्छेद लिखेंगे वाक्य लिखेंगे उसकी जो घटनाएं लिखेंगे वो क्रम से लिखेंगे, एक के बाद दूसरे जैसे जैसे घटना होगी। तीसरा पॉइंट, छोटे छोटे वाक्य लिखिए। वाक्य आपको बहुत बड़े बनाने नहीं है, छोटे छोटे 5-6 शब्दों का एक वाक्य बनाना है। सरल भाषा का उपयोग करें, आपको कोई साहित्यिक कठिन शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में जैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं उन सरल सरल शब्दों का आप प्रयोग करें। एक ही बात को बार बार ना लिखिए। आप अनुच्छेद में अगर किसी बात को आपने एक बार लिख दिया है उसे दोबारा मत दोहराइए, क्योंकि दोबारा दोहराने से क्या होगा, ये जो अनुच्छेद लेखन है इसमें सुंदरता नहीं है। तो आपको पता चला, समझ में आया कि अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं और अनुच्छेद लेखन को हमको किस ढंग से लिखना है। जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पहुंचे, आप रेलवे स्टेशन में पहुंचे वहां का क्या दृश्य है, आपको बहुत सी चीजें सुनने को भी मिलेगी, बहुत सी चीजें आपको आंखों से दिखाई देगी। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिखाई देगा, ट्रेनें खड़ी हैं, कोई ट्रेन आ रही है, कोई जा रही है, मालगाड़ी आ रही है, कुछ यात्री उतर रहे हैं, कुछ चढ़ने के लिए तैयार हैं, सामान लिए हैं, पूरी सामान लेकर खड़े हुए हैं। वहीं पर बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे कुछ मांगने के लिए भी आ रहे हैं। कई प्रकार की चीजें आपको रेलवे स्टेशन पर मिल रही है, तो इन सारी चीजों को आप पहले अच्छे से मन के अंदर सोच लीजिए, समझ लीजिए, महसूस कर लीजिए कि क्या क्या चीजें दिख रही है, क्या क्या हो रही है, और ट्रेन के चलने की आवाज आ रही है। तो ये सारी चीजें ही सोच समझ ले, उसके बाद आप क्रम से लिखना शुरू करें। तो यही क्या कहलाएगा, अनुच्छेद लेखन। आपकी किताब में कुछ अनुच्छेद लेखन के ये बोला गया है जिसे आपको लिखना है। पहला है मेरा प्रिय खेल, दूसरा है मेरी दीवार खड़ी। और तो आपको क्या करना है, मेरा प्रिय खेल और मेरी दीवार खड़ी। प्रिय खेल, आपको जो खेल सबसे ज्यादा पसंद है, जिसे खेलना बहुत पसंद करते हैं, उस खेल के बारे में लिखिए, उस खेल का नाम बताइए। फिर इसके पश्चात
उस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपको वो खेल क्यों पसंद है, आप इस खेल को कहां पर खेलते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें अनुच्छेद में लिखेंगे। आपको हमने पहले बताया कि जो भी अनुच्छेद आपको लिखना है सरल शब्द में लिखना है, क्रम से लिखना है, एक शब्द का एक वाक्य का प्रयोग बार बार लिखना है। तो ये रहा आपका अनुच्छेद लेखन। आपकी बुक में दो तीन अनुच्छेद लेखन दिए हुए हैं, उसको आप ध्यान से देखिए और पढ़िए, और जो आपको दो टॉपिक दिए गए हैं, मेरा प्रिय खेल और मेरी दीवार खड़ी, इस दोनों के बारे में आप लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।